गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज अपन कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड। तर या पेपरचा प्रीवियस जो पेपर झालेला होता एप्रिल 2022 चा सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचा, त्याचं सोल्यूशन पाहणार आहोत। आज हम क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लेम आए थे, पूरी क्वेश्चन पेपर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अप्रैल 2022 की, वो हम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स है इस पेपर में के, तो वो टॉपिक एमकॉम को भी एप्लीकेबल है। कॉस्टिंग फर्स्ट के पेपर में, कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। तो आज हम पूरी क्वेश्चन पेपर एंड उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कॉस्टिंग थर्ड के भी टॉपिक्स की लिंक देने वाली हूँ। वैसे भी मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको देती हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल है, अकाउंट कॉस्टिंग कॉस्टिंग के दोनों भी पेपर, देन FY2 MCOM तक सभी अकाउंट के वीडियो है, सभी सेमेस्टर के है, आप देख सकते हैं। ओनली जो वीडियोस थे वो मराठी में है, तो अभी मैं उन सभी वीडियो को हिंदी में भी कर रही हूँ, ताकि जो नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है या फिर जिनको मराठी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए इजी हो। थैंक यू। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेती हूँ, बाद में प्रॉब्लम बताती हूँ। मी पहिल्यांदा ऑब्जेक्टिव घेते, त्यानंतर प्रॉब्लेम दाखवते। सेमिस्टर पुढची जी येणार आहे आता तुमची, तर त्याचे पण सर्व व्हिडिओ चॅनेलवर आहेत, फक्त मराठीमध्ये आहेत। आपण ते हिंदीमध्ये करण्याचा मी प्रयत्न करते, जेवढे शक्य होतील तेवढे। हाँ, देखिए, टी वाय बी कॉम कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग की जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। सेमिस्टर फिफ्थ की क्वेश्चन पेपर है, कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड की। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स, पहला जो प्रश्न आहे तो आहे फिल इन द ब्लैंक्स। तर त्यामध्ये 6 पैकी 5 लिहायचे होते। त्यात पहिला प्रश्न होता, नॉर्मल बॅड डेट इज एक्झाम्पल ऑफ, नॉर्मल बॅड डेट इज एक्झाम्पल ऑफ डॅश डॅश ओव्हरहेड। तो इसका आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर, सेलिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेलिंग। देन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डेवलप्स, तो उसका आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले प्रश्नाचं उत्तर आहे सेलिंग, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, ओव्हरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा जूम करके बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्शन। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है रेट्स। फर्स्ट का सेलिंग, सेकंड का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है रेट्स। देन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, डैश डैश कॉस्ट इज लाइक अ कॉस्ट सेंटर। डैश डैश सॉरी इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट डैश डैश इज लाइक अ कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट ड्राइवर, करेक्ट आंसर है ड्राइवर, करेक्ट आंसर आहे ड्राइवर। एज पर कैश मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, डैश डैश ओवरहेड कंपराइजेस सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्केटिंग, याचं बरोबर उत्तर आहे मार्केटिंग। नेक्स्ट, डैश डैश ओवरहेड्स वेरी द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो ये हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हम अप्रैल 2022 की क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। देन मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। कैश 11, इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब इसका पेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देन कैश 3, इसका पेयर है ऑपरेशन ओवरहेड। कैश 3 ऑपरेशंस ओवरहेड। देन सर्विस कॉस्ट, इसका पेयर है प्रोवाइडिंग अ सर्विस, प्रोवाइडिंग अ सर्विस। रिसर्च कॉस्ट, इसका पेयर है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, रिसर्च
क्यों किया जाता है? प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. सो इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड फिक्स ओवरहेड, इसका पेयर है फिक्स ओवरहेड का अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन. क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर अगर आपका वॉल्यूम कम होता है ज्यादा होता है सेल्स का, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. प्रोडक्शन का भी वॉल्यूम कम ज्यादा हो तो फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो फिक्स ओवरहेड अनअफेक्टेड बाय वेरिएशंस. देन शॉर्ट नोट पूछी गई थी, फोर में से कौन सी भी टू लिखनी है. तो ये शॉर्ट नोट थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, शॉर्ट नोट थी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, ओवरहेड्स एंड टाइप्स पे, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पे. अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर पे एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है. देन नेक्स्ट जो है, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आया था. 5 मार्क्स की फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स के मैच द पेयर्स एंड 10 मार्क्स की शॉर्ट नोट. 20 मार्क्स थ्योरी को है एंड 30 मार्क्स के प्रॉब्लम है. तो 30 मार्क्स के प्रॉब्लम में जो दो प्रॉब्लम पूछे गए थे, तो उसमें से एक प्रॉब्लम का वीडियो हमारे चैनल पे है. जे दोन प्रश्न विचारले गेलेले होते प्रॉब्लम वर, त्याचा वीडियो ऑलरेडी चैनल वर आहे, त्यामुळे मी तो पुन्हा एक्सप्लेन करणार नाही है. प्रॉब्लम जो एक प्रॉब्लम है दोनों में से, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. आपके पास ऑलरेडी वो वीडियो है. मैं वीडियो का नंबर बताती हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3. 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 3 का मैंने सॉल्यूशन बताया निराली पब्लिकेशन का. सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर आया है, ओनली नेम चेंज हुआ है उसका. देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिस्को नाम से आया गया दिया गया था प्रॉब्लम, सिस्को लिमिटेड. लेकिन जो भी अमाउंट है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है, ओनली नेम चेंज हुआ है एंड ईयर चेंज हुआ है. यहाँ पर 31 मार्च 2021 है, उसमें 31 मार्च 2019 है. तो इसीलिए मैं अभी इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आप वो वीडियो देख लीजिए. तुम्ही ह्या प्रॉब्लेमच्या सॉल्यूशन साठी तो व्हिडिओ बघून घ्या, प्रॉब्लेम नंबर 3 चा, ऍब्सॉरप्शन ओव्हरहेड चा जो प्रॉब्लेम आहे, अंडर ऍब्सॉरप्शन अँड ओव्हर ऍब्सॉरप्शनचा, तर तो व्हिडिओ बघा 3 नंबरच्या प्रॉब्लेमचा. ते सॉल्यूशन मी तिथे एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्यामुळे पुन्हा मी एक्सप्लेन करणार नाहीये. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेनेशन बताया है, लेकिन यहाँ पर ओनली सॉल्यूशन दिखा देती हूँ. ये सॉल्यूशन है उसका. जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप उस वीडियो में से सुन लीजिए. वंस अगेन वही एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली, आप उसमें से कर सकते हो. इसीलिए डबल टाइम वेस्ट करने के बजाय और वीडियो हो सकती है और प्रॉब्लम की, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया है. ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन के लिए आप ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का 3 नंबर का प्रॉब्लम का वीडियो देख लीजिए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3 में 15 मार्क्स के लिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड से प्रॉब्लम पूछा गया था. ये प्रॉब्लम भी निराली पब्लिकेशन के बुक में से लिया गया है. यहाँ पर भी ओनली ये जो साल है वो चेंज किया गया है, बाकी जो डिपार्टमेंट के नाम वगैरह जो है वो भी वैसे के वैसे ही है. यहाँ पर आई लिमिटेड बताया गया है, वहां पर ये सॉल्यूशन मैंने जो लिया है, यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज है. तो इस सॉल्यूशन का मैं एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ. मी या प्रॉब्लम चा सॉल्यूशन जो है ते एक्सप्लेन करणार आहे, लेकिन मैंने यहाँ पर पीपीटी नहीं बनाई है, मैंने जो बुक में था निराली पब्लिकेशन के वहां से ही सॉल्यूशन लिया है. तो मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करती हूँ. एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उस वीडियो में से देख लीजिए, नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है उसमें से. तुम्ही या वीडियो ह्या प्रॉब्लेमचं मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देणार आहे, परंतु जो आधीचा होता त्याचं तुम्ही त्या व्हिडिओ मधून पाहून घ्या. तो ये सेम प्रॉब्लेम है, निराली पब्लिकेशन के बुक में से लिया गया. मैंने ये अभी क्वेश्चन पेपर में का लिया है, लेकिन ये सेम प्रॉब्लम निराली में भी है.
इन आई लिमिटेड देयर आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट. जस्ट सेकंड. टू सर्विस डिपार्टमेंट सी एंड डी. सी डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड डी डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:1. अभी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हम पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. रेंट ट्रेड टैक्सेस अपन पहिल्यांदा ह्या इन्फॉर्मेशन वरून प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चा टेबल काढणार आहोत. रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी मोटिव पावर डेप्रिसिएशन एमिनिटीज टू स्टाफ एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है एसेट वैल्यू. तो एसेट वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन डिवाइड करेंगे देन जो है इसका रेशियो कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन उसमें डिवाइड करेंगे. फ्लोर एरिया जो है वो रेंट के लिए है. देन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी गई है उसके लिए है. एचपी मशीन यहाँ पर मोटिव पावर है उसके लिए है. नंबर ऑफ वर्कर्स तो एमिनिटीज टू स्टाफ दिया गया है उसके लिए है. एंड डायरेक्ट वेजेस जो है वो इंश्योरेंस के लिए है. तो हम पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. यहाँ इस अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट करके उससे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर हेड कॉस्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट ओवर हेड कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट. तो यहाँ पर जो बताया गया था ना कि सी डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड डी डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ सर्विस ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:1, यानी कि हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है. तो फर्स्ट हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ऊपर कंपनी का नाम जो है जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में है वही लिखना है. मैंने ये सॉल्यूशन डायरेक्टली पब्लिकेशन निराली पब्लिकेशन के बुक में से लिया है इसलिए यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज है. लेकिन आप ओनली आई रख दीजिए उसमें. मैं बाकी का रिमूव कर देती हूँ और डेट भी मैंने चेंज की है. यहाँ पर ओनली आई लिमिटेड जो प्रॉब्लम में है वैसे ही लिखते हैं आई लिमिटेड. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021. टेबल ड्रॉ कीजिए. अपन आधी स्टेटमेंट काढणार आहोत प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चा. पर्टिक्युलर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट रेशो टोटल प्रोडक्शन के दो डिपार्टमेंट ए एंड बी सर्विस के दो डिपार्टमेंट सी एंड डी. तो पहले हम रेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेंट रेट टैक्सेस फ्लोर एरिया में. तो फ्लोर एरिया जो है उसका रेशियो कैलकुलेट कीजिए. अपन फ्लोर एरिया से रेशियो काढतोय. कॉमन 3 3 0 कैंसल करा. रेशियो येईल 8 6 4 2. 2 ने भाग देऊन 4 3 2 1. हम पहले 3 3 0 कैंसिल करेंगे. रेशियो आएगा 8:6:4:2. अभी एक कॉमन नंबर से इसे डिवाइड कीजिए तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं सभी. तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 4. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1. तो रेशियो आया है 4:3:2:1. तो 40,000 को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. तो 4,000 का एक शेयर आया. 4,000 × 6 = 16,000. 4,000 × 3 = 12,000. 4,000 × 2 = 8,000. 4,000 × 1 = 4,000. सेकंड वन है इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस जो है वो हम एसेट के वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक मिनट. हम इंश्योरेंस के लिए हमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं वो देखते हैं. एरिया नंबर ऑफ लाइट पॉइंट एचपी नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डायरेक्ट वेजेस. ओके एक मिनट. मैं एक करेक्शन करती हूँ. मैंने पहले बताया था आपको इंश्योरेंस वर्कर का नहीं है. अगर वर्कर का होता तो हम उसको डायरेक्ट वेजेस में डिवाइड करते. लेकिन यहाँ पर ओनली इंश्योरेंस बताया गया है तो ये इंश्योरेंस एसेट का होगा मतलब मशीनरी का. तो इसीलिए हम इसे वैल्यू ऑफ एसेट में देंगे. तो वैल्यू ऑफ एसेट का रेशियो कैलकुलेट कीजिए. मैंने यहाँ पर मेरा जो पहला स्टेटमेंट बताया था कि इंश्योरेंस हम डायरेक्ट वेजेस में करेंगे तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्कर का नहीं है एसेट का है. इसलिए हम एसेट की वैल्यू में उसे
डिवाइड करेंगे तो कॉमन 550 कैंसिल कर दीजिए, रेशियो आएगा 10:5:4:1। तो इंश्योरेंस हम एसेट का है इसीलिए एसेट के वैल्यू में ये करते हैं। अभी वर्कर्स का है या कैसे देखेंगे, तो वहां पर स्पेसिफाई किया जाएगा वर्कर्स का इंश्योरेंस या फिर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, तभी आप उसे डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस जो है वो एसेट के वैल्यू में देंगे हम 10:5:4:1। तो 15,000 को हम 10+5+4+1 यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करने के बाद एक जो शेयर है वो आया है 750 का। 750 × 10 7,500, 750 × 5 3,750, एंड 750 × 4 3,750 × 1 750। अपन 10s, 5s, 4s, 1 मध्ये 15,000 डिवाइड केले। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट पॉइंट के अनुसार देंगे। लाइट पॉइंट का रेशियो कैलकुलेट कीजिए 40, 30, 15, 15। तो इसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं कॉमन नंबर से, तो 8:6:3:3 इस रेशियो में देंगे हम 8:6:3:3। 5,000 को हम 8+6+3+3 मतलब 20 से डिवाइड करेंगे। एक शेयर जो है वो आएगा 250 का, तो 250 × 8 2,000, 250 × 6 1,500, 250 × 3 250 × 3 750 दोनों कॉलम में। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। देन मोटिव पावर एचपी ऑफ मशीन हॉर्स पावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एचपी की रेशियो के लिए हम 220 कैंसिल करेंगे कॉमन, 8:5:4:3। तो यहाँ पर रेशियो लिख दीजिए 8:5:4:3। टोटल अमाउंट 20,000। 20,000 ला अपन या रेशियो डिवाइड केला, हमने 20,000 को इस रेशियो में डिवाइड किया, अमाउंट आई है 8,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम एसेट के वैल्यू में ही देंगे। एसेट की वैल्यू का रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, वही रेशियो सेम यहाँ पर ले लीजिए। टोटल अमाउंट है 2 लाख, डिवाइड करने के बाद आई है हर एक को 1,50,000, 40,000 एंड 10,000। देन एमिनिटीज टू स्टाफ नंबर ऑफ वर्कर्स में देंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो है 75, 50, 50 एंड 25, तो इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आया 3:2:2 एंड 1। तो 3:2:2:1 में देंगे 13,000। इसकी जो टोटल है वो आती है 3+2 5+2 7+1 8। तो 8,000 से डिवाइड, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे हम 13,000 को। तो आफ्टर डिवाइड करने के बाद एक शेयर के लिए वैल्यू आई है 1,625। इंटू 3 किया 4,875, इंटू 2 किया 3,250, 3,250। इस तरह से हमने एमिनिटीज टू स्टाफ डिवाइड किया। अभी एक अमाउंट जो है वो हमें इस टेबल में से लेनी है। यहाँ पर रेंट था, इंश्योरेंस था, इलेक्ट्रिसिटी, मोटिव पावर, डेप्रिसिएशन एंड एमिनिटीज, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी एक अमाउंट जो है हमें यहाँ से लेनी है डायरेक्ट वेजेस में से। तो ये जो टेबल है इसमें से डायरेक्ट वेजेस लेने हैं। तो डायरेक्ट वेजेस जो है वो ओनली टू डिपार्टमेंट के लेने हैं, कौन से, सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि जो डायरेक्ट वेजेस है वो कहाँ पर पेड होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में। तो ये 1,875। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर लिखिए एक्चुअल, यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 875। तो टोटल आई 1,875। अभी इसकी टोटल कर दीजिए, टोटल कॉलम की टोटल 2,94,875, इसकी टोटल 1,38,375, इसकी टोटल 75,500, इसकी टोटल 60,000, इसकी टोटल 21,000। ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। हा, आपला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशनचा टेबल तयार झाला। सेकंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करण्यासाठी रेशियो देख बघायचा। सेकंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये रेशियो यूज करेंगे 2:3। जो सी डिपार्टमेंट की टोटल है हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड डी डिपार्टमेंट की जो है वो क्या करेंगे, 6:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ एंडेड 31 मार्च 2019। तो कॉलम पर्टिकुलर बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट रेशियो टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो कॉलम। पहले हमें क्या करना है,
ये टोटल लेनी है 1,38,375 एंड 75,500 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 1,38,375 एंड 75,500, इन दोनों की टोटल करके इस कॉलम में लिख दीजिए। आपण अगोदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रमाणे टोटल घेणार आहोत, मग त्याची टोटल करून इथे घ्या। देन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट सी, यहाँ पर एक्चुअल रेशियो 2:3 कहाँ पर बताया गया है, प्रॉब्लम के स्टार्ट में बताया गया है 2:3। तो सी डिपार्टमेंट की जो टोटल है वो 2:3 में देंगे, यानी कि 60,000 जो है वो 2:3 में देंगे। तो 60,000 इसको 5 से डिवाइड करने के बाद 12,000 का एक शेयर आया, 12,000 × 2 24,000, 12,000 × 3 36,000। अपन 60,000 ला 5 ने भाग दिला, 12,000 से एक भाग आला, 12,000 × 2 24,000, 12,000 × 3 36,000। देन सर्विस डिपार्टमेंट डी, यहाँ पर एक्चुअल 6:1, यहाँ पर टोटल अमाउंट ली 21,000, 21,000 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद एक शेयर आया 3,000 का, तो डिपार्टमेंट बी को 3,000, ए को 18,000। इस तरह से हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी टोटल कर दीजिए, कॉलम की टोटल आई है 2,94,875। ये देखिए ये और ये टोटल सेम आई है। देन इसकी टोटल आई 1,80,375 एंड 1,14,500। ये प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन के बुक में से ही बताया गया था। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन ओनली उसका नेम जो है वो चेंज हुआ है कंपनी का, एंड ईयर चेंज हुआ है। तो हमने आज पूरा क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो देखा है। आज अपन कॉस्टिंग सेकंड जी क्वेश्चन पेपर आहे TYBCOM ची, अप्रैल 2022 ची, ती क्वेश्चन पेपर चं सोल्यूशन पाहिलेले विथ ऑब्जेक्टिव। आणि ओव्हरहेड ऍब्सॉर्प्शनचा जो प्रॉब्लेम आहे, अंडर आणि ओव्हर ऍब्सॉर्प्शनचा, तर तो तुम्ही 3 नंबरचा जो प्रॉब्लेमची व्हिडिओ आहे त्यातून बघा। थँक्यू।